टॉपिक है वुड्स रिएक्शन का। नीट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा वुड्स रिएक्शन का, ठीक है। तो एक बार आपको समझाता हूं वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन आप जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको एल्केन मिलता है। 2 मोल आपने एल्किल हैलाइड ले लिया, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो आपके पास एक तो एल्केन बन जाएगा और NaX बन जाएगा साइड प्रोडक्ट आपके पास। ये जो एल्केन बना ये एल्किल हैलाइड से बनता है, ये जो रिएक्शन है इसमें फ्री रेडिकल बनता है। मैकेनिज्म में आप देखोगे कि फ्री रेडिकल बनता है। अब देखो कैसे होती है रिएक्शन। इसमें आपके पास ये जो R है, एल्किल ग्रुप है, वो फ्री रेडिकल बनता है और दूसरा भी 2 मोल लिए हैं तो 2 फ्री रेडिकल मिलके आपके पास एल्केन बनाते हैं। अब देखो आपके पास कोई भी रिएक्शन है जैसे CH3CH2X, यहां पे Cl ले लेते हैं अपन, Cl, ठीक है, ये 2 मोल ले लिए इसके और सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अब देखो यहां पे आपको मिलेगा CH3CH2, इसका रेडिकल बना, फिर CH2CH3, क्योंकि यहां पे देखो इसको फ्री रेडिकल ही तोड़ोगे आप तो क्या बना, CH3CH2 के 2 रेडिकल बन गए ना ये यहां पे। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, आपके पास ये एल्केन बन जाएगा। यानी एल्केन हैलाइड से आपने वुड्स रिएक्शन में क्या बना लिया, एल्केन। अब ये रिएक्शन है ना जो क्या होती है कि इवन नंबर के एल्केन बना लिया। मेनली इस रिएक्शन का यूज क्या किया जाता है, स्टेप अप के लिए। यानी कार्बन बढ़ गए, यहां पे 2 कार्बन लिए अपन ने और यहां पे 4 कार्बन मिल गया, यानी स्टेप अप रिएक्शन है। और जो है यहां पे इवन नंबर के 1, 2, 3, 4 इवन नंबर के एल्केन मिल रहे हैं ना, उसके लिए भी ये की जाती है। बट ये जो रिएक्शन है इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो शुरुआती इनकी जो, अब देखो अब क्या करना है आपको, मान लिया आपने R1X ले लिया, एक अलग हैलाइड ले लिया और दूसरा आपने अलग हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई तो क्या होगा भाई। देखो इसका भी रेडिकल बनेगा, R1 रेडिकल बनेगा और उसका बनेगा R2 रेडिकल, ठीक है, बन गए ये 2 रेडिकल बनेंगे। अब इनका एल्केन देखो बढ़ाओ, एक तो R1 R2 बन जाएगा या R1 R1 के साथ भी कंबाइन हो सकता है या R2 R2 के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे अगर रिएक्शन ऐसी आती है तो, ठीक है। अब देखो एल्कीन से एल्कीन भी बनती है इससे, ठीक है, अपन साइक्लो एल्केन भी बना सकते हैं इसी रिएक्शन से। वो सारी रिएक्शन अभी कवर करवाने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आप। अब देखो अगर वुड्स रिएक्शन में आपको विसिनल डाइहैलाइड दी जाए, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, CH2CH2 यहां पे दोनों के जस्ट पास में XX कोई भी हेलोजन लगा दिया जाए तो ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाते हैं, यह बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, इन्हें विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इनमें वही सोडियम और आपने ड्राई ईथर ले लिया तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल कैसे बनेगा, ये CH2 के यहां पे भी रेडिकल बन जाएगा और एक रेडिकल ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में देखो क्या होगा, इसमें एल्कीन बन जाएगी, कैसे बनेगी, यहां पे एक चीज और होगी कि जो इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन है वो पहले होगी बजाय इंटर मोलिकुलर के। देखो कैसे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपके पास एक बढ़ गया CH2 रेडिकल और CH2 ये बन गया आपके पास रेडिकल, आपने इस XX बॉन्ड को इसको तोड़ लिया, ठीक है, फ्री रेडिकल बन गए 2, ठीक है। होमोलाइटिक आपने अगर इसका तोड़ा तो रेडिकल बनता है ना, फ्री रेडिकल वो चीज है, यहां तोड़ लिया। अब या तो आप देखो ऐसे भी बन सकता है, अपन ने 2 मोल लिए और इनके CH2 ये CH2 ये, या तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं ऐसे, ये भी बन सकती है, पर ये है क्या, इंटरमोलिकुलर, यानी 2 में हो रही है, इसके बजाय वो बाउंड जल्दी बनेगा इंट्रामोलिकुलर का। तो इंट्रामोलिकुलर होगा तो क्या बन जाएगा, CH2, ये बॉन्ड CH2 था और ये जो रेडिकल थे ये बॉन्ड बन गया तो ये बन गई एल्कीन, ठीक है, इथीन। तो ये रिएक्शन में ये ध्यान रखना, विसिनल डाइहैलाइड आ जाए ना वुड्स रिएक्शन में तो आपको ऐसे करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 3 डिग्री हैलाइड आ जाए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाए
जैसे यहां पे बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वही इसी रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जैसे CH3, यहां पे भी आपका CH3 और ये हाइड्रोजन। अब ये 3 डिग्री है कि नहीं है, हाइड्रोजन की जगह अपन कर लेते हैं हैलाइड बना दिया इसका Cl, ठीक है। ये 3 डिग्री है क्योंकि जो ये कार्बन है ये पास वाले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हैलाइड हो गया ना। 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम ड्राई ईथर से करवाओगे तो यहां पे डिस्प्रोपोर्शनिएशन हो जाता है। अब डिस्प्रोपोर्शनिएशन हो जाएगा ना तो भाई एक तो एल्किन बन जाएगी, एक एल्केन बन जाएगा। कैसे? देखो एक हो जाएगा CH3 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 H+, यहां पे दूसरा हो जाएगा आपके पास डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड C बोन्ड CH3 CH3, ये बन गया। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, यहां पे अगर 3 डिग्री हैलाइड आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, यहां पे डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, वुड्स रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है नीट में। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।